मथुरा की थाना मोगर्रा पुलिस व स्वाट टीम के हाथ शुक्रवार को बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने धोखाधड़ी कर शादी करने के बाद लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के साथ ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला व 4 पुरुष शामिल है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मथुरा के थाना मोगर्रा क्षेत्र स्थित कस्बा सोंक में शादी करने के बाद ठगी किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ठगी करने वाले गिरोहों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 22 जून 2019 को कस्बा सोंक में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा हरेश चंद्र निवासी कस्बा सोंक को शादी का झांसा देकर एक युवती दिखाई गई, जिसके बाद हरेश ने युवती को पसंद कर लिया और शादी करने के लिए तैयार हो गया। यहां शादी कराने के एवज में शादी ठगों द्वारा हरेश चंद्र से 2,50,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन शादी होने के 10 दिन के बाद ही विवाहिता घर से सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई, जिसकी सूचना पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर फरार चल रहे शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुट गई, जहां स्थानीय पुलिस व स्वाट टीम द्वारा कड़ी मेहनत के बाद 7 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोसी खुर्द तिराहे के थाना मोगर्रा क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया। ये आज मोगर्रा और SOG के द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर की 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और इन्होंने अपने कन्फेशन में अपने जुर्म के इकबाल में इस चीज़ को स्वीकार किया है कि ये एक संगठित रूप से अपराध करते थे और लोगों को झांसा देके जो अनमैरिड अविवाहित लोग थे उनसे शादी करते थे, शादी करने के बाद वहाँ से जेवर इत्यादि लेके चले जाते थे। एक केस में ये वहाँ शादी के अंदर जेवर इत्यादि ले जाके सफल नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के विरुद्ध जनपद मथुरा में ही करीबन आज के 6 महीने पूर्व मई के महीने में वृंदावन थाने पे 363 का अभियोग पंजीकृत कराया, जिसके विवेचना के अंदर 376 की बढ़ोतरी हुई और एक व्यक्ति परिवार का जेल गया। परिवार वाले गोपनीय रूप से हम लोगों से मिले और उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से इनको जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो पूरे व्यक्ति हैं एक संगठित रूप से काम करते हैं और इस चीज़ की हमने गोपनीय रूप से SPCT के नेतृत्व में SOG के साथ में इस गैंग को ट्रैप करवाया। ट्रैप करवाने के बाद ये शादी कराने का भी पैसा लेते थे, उसके बाद जिस घर में शादी करते थे वहाँ के भी गहने इत्यादि लेके चले जाते थे। अभी तक 2 प्रकरण इस तरह के इनके संज्ञान में आए, सभी लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल किया है। इनको रिमांड पे लेके और पूछताछ की जाएगी, कॉल डिटेल्स एग्जामिन की जा रही है और हो सकता है इनके गैंग में और भी लोग आएँ। और आज जैसे गैंग वर्कआउट हुआ है इसके अंदर हम लोग आसपास तस्दीक कर रहे हैं, हो सकता है इस तरह के ऑपरेशन इन्होंने आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी किए। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।